पिछले एपिसोड में आपने देखा कैसे अनोखे राम पंडित जी का चेला बन जाता है और एकादशी के दिन भंडारा नहीं होता तो स्वयं भोजन बनाने के लिए हरिया काका से सूखा भोजन लेने जाता है। अब आगे चलो अनोखे राम, भोजन बनाने की सामग्री गुड़ देसी घी आटा आलू इत्यादि। धन्यवाद काका। हाँ हाँ लाओ। अनोखे, तुम भोजन खा तो लेते हो परंतु क्या बना भी पाओगे? मरता क्या ना करे पंडित जी। हाँ हाँ सामग्री मिल गई है, मैं बना ही लूंगा। अब भोजन करना भी तो जरूरी है। अनोखे ने जीवन में पहली बार भोजन पकाया था। चलो भोजन तैयार है, अब खाना शुरू करता हूँ। वह भोजन शुरू करने ही वाला था कि तभी उसे याद आता है। अरे पंडित जी ने कहा था भोजन करने से पहले प्रभु को जरूर भोग लगाना। देखो प्रभु, मुझे मंत्र तो बोलने नहीं आते, अब बस आप भोग लगाने आ ही जाइए। मेरे राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु बहुत भूख लगी है, आप आए भोग लगाए ताकि बाद में मैं भी खा सकूं। हे प्रभु, आरती मुझे आती नहीं, आपको मनाना मुझे आता नहीं, पंडित जी ने कहा था तो आपको भोग लगाने के लिए मैं बुला रहा हूँ, उसके उपरांत ही मैं खाऊंगा। तो प्रभु इसे ही निमंत्रण समझकर आइए और भोग लगाइए। प्रभु राम जानकी माता के साथ ये सब देख और सुन रहे थे। माता सीता को अब समझ न आए कि ये भक्त और भगवान के बीच का खेल कैसा है। नाथ, आपका ये भक्त कब से आपको पुकार रहा है? सीते, ये भक्त और भगवान के बीच का खेल है। देखिए प्रभु, अब जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं खा नहीं पाऊंगा। प्रभु आज मंदिर में ठाट बाट नहीं मिलेंगे, एकादशी का व्रत है तो भोजन नहीं बना वहाँ, यही मिलेगा भोजन, तो जल्दी से आइए। इतना सुनते ही श्री राम सीता मैया के साथ अनोखे के सामने आ जाते हैं। हे प्रभु आप आ गए। तुम्ही ने तो आग्रह किया था कि प्रभु आओ और भोजन का भोग लगाओ, तो चले आए हैं हम। अनोखे आंखों में आंसू लिए राम जी की ओर देखे और दूसरे ही पल मन में विचार आए, राम जी संग सीता मैया भी आई हैं। अब पता नहीं मुझे भोजन मिलेगा या नहीं, परंतु राम जी संग सीता मैया लग बड़ी सुंदर रही है। क्या हुआ अनोखे राम, मन में कोई विचार कर रहे हो? कुछ बात है तो कहो। नहीं नहीं प्रभु, कुछ नहीं। पंडित जी ने कहा था कि पहले प्रभु को भोग लगाना है फिर कुछ खाना, अब आप संग मैया भी है तो बस भोजन के बारे में सोच रहा था। अनोखे, अब भोजन की थाली लाओ तो हम भोग लगाएं। क्यों नहीं प्रभु जी, यह लीजिए प्रभु, भोग लगाइए। वाह अनोखे राम, भोजन तो तुमने बड़ा स्वादिष्ट बनाया है, अब हम चलते हैं। प्रभु आप आए मेरा अहोभाग्य है, प्रभु अगली एकादशी को थोड़ा जल्दी आ जाना। तुम चिंता मत करो, मैं तैयार रहूंगा, तुम जब भी भोग के लिए पुकारोगे मैं पहुंच जाऊंगा। अब मास दिवस बीत गए और अगली एकादशी आ गई। पंडित जी आज फिर एकादशी है और आप तो जानते हैं कि मैं भोजन बिना नहीं रह पाऊंगा। हाँ अनोखे, तो भंडार गृह से सामग्री ले लो और पहले की भांति नदी किनारे जाकर भोजन पका लो। ठीक है पंडित जी,
परंतु सामग्री थोड़ी ज्यादा देना इस बार। क्या पहले जितनी पर्याप्त नहीं थी? आपने कहा था कि भगवान को भोग लगाने के बाद ही कुछ खाना। अब भोजन पकाने के बाद जब भोग के लिए भगवान को बुलाया तो प्रभु राम सीता मैया संग आए। अब भोजन कम पड़ गया था। है प्रभु राम और सीता मैया संग? सच में? जी पंडित जी, दोनों आए थे। लगता है पिछले माह इसकी भूख शांत नहीं हुई थी, इसीलिए बहाने से ज्यादा सामग्री की मांग कर रहा है। ठीक है, हरिया काका से कहकर ज्यादा सामग्री ले लो। अब अनोखे पहले की भांति भोजन की सामग्री ले नदी किनारे पेड़ के नीचे जाकर भोजन पकाने लगा। चलो, भोजन तो तैयार है। प्रभु ने कहा था कि देर नहीं करूँगा। प्रभु आ जाइए और भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, संग मैया को लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अनोखे, कहाँ है भोजन? प्रभु, इस बार तो आप बहुत जल्दी आ गए। पिछली बार तुमने कहा था तो मैं जल्दी आ गया। मैं तो प्रतीक्षा ही कर रहा था कि कब तुम पुकारो और मैं भोजन करने जाऊं। पिछली बार तो मैया ही आई थी, इस बार न जाने कौन संग आए हैं। प्रभु, कहो तो एक बात पूछूं। संकोच कैसा, पूछो अनोखे राम। प्रभु, ये आपके और माता के संग और कौन लोग आए हैं? ये भाई हैं हमारे। भाई? अच्छा, सगे या कहीं रिश्तेदार हैं? हमारे सगे छोटे भाई हैं। कहो, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, पिछले माह मैया संग आए, इस बार भैया भी साथ ले आए। प्रभु, अगर आप नाराज न हो तो एक बात कहूँ। बोलो अनोखे राम। प्रभु, मैंने आपके भोग के लिए भोजन बनाया है, पूरे परिवार का दायित्व मेरा नहीं है। अब श्री राम जी और सीता मैया हंसने लगे और लक्ष्मण जी गुस्से से खड़े खड़े देख रहे थे। इससे तो अच्छा है कि मैं एकादशी का व्रत ही कर लूं। अरे, अगर तुम व्रत कर लेते तो हमें भोग कहाँ से मिलता? चिंता मत करो, तुम्हें भी भोजन मिलेगा, हम थोड़ा थोड़ा ही चख लेंगे। प्रभु, आप बड़े ही दयालु हैं, आप तो बस भोग लगाइए। प्रभु भोग लगाने के बाद जाने लगे तो अनोखे ने उनके पैर पकड़ लिए। अनोखे राम, कहो कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं प्रभु, बस मुझे आप ये बता दीजिए कि अगली एकादशी को कितनों को संग लाएंगे। अनोखे राम, वो मैं तुम्हें अभी से कैसे बता दूं? मैं आ जाऊंगा, अभी तो जाने दो। इतना कह प्रभु अंतर ध्यान हो गए। एक माह और बीत गया और फिर से एकादशी आई। इस बार अनोखे राम बहुत परेशान था। क्या हुआ अनोखे, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। क्या बताऊं पंडित जी, आज फिर से एकादशी है। इसमें परेशानी कैसी भाई, तुमने तो भंडार गृह से सामग्री ले ही ली है ना? हाँ, सो तो है पंडित जी, परंतु आज पंडित जी सामग्री थोड़ी ज्यादा मिल सकती है क्या? क्यों, इतनी सामग्री का क्या करते हो? आपने कहा था कि प्रभु को भोग लगा कर भोजन करना। मैं प्रभु को बुलाता हूँ, परंतु वो अपने सगे संबंधियों को भी साथ ले आते हैं। ठीक है, थोड़ी और सामग्री ले जाना आज। ये अनोखे को क्या हो गया है, आखिर इतनी सामग्री का ये क्या करता है, चलकर देखना पड़ेगा आज। अनोखे सामग्री ले नदी किनारे पहुँच जाता है। आज पंडित जी भी उसके पीछे पीछे जाते हैं। ऐसा है प्रभु, हम भोजन नहीं बनाएंगे आज, क्या मालूम आज कितनों को ले आओगे। राजा राम आइए, मा
माता सीता को लाइए, संग में लक्ष्मण जी को भी ले आइए। आज अनोखी क्या कर रहा है? इसने भोजन तो बनाया नहीं और प्रेम भरी पुकार लगाकर हमें बुला रहा है। चल कर देखते हैं क्या बात है। प्रभु आप आ गए। हाँ, तुमने बुलाया तो आना ही था। आज देखो मैं अपने सभी भाइयों के संग आया हूँ। क्षमा करना प्रभु, आज मैंने भोजन नहीं बनाया है। फिर हमें पुकारा क्यों? आप इतनों को अपने संग ले आए तो मुझे तो भोजन खाने को मिलेगा नहीं, यही सोच कर नहीं पकाया। तो कहो अब क्या करें अनोखे राम? जिसे भोजन खाना है तो वो ही पकाए। अब राम जी के सभी भाइयों ने मिलकर भोजन बनाया। अनोखे आंखें तो खोलो। प्रभु जब हमें भोजन मिलेगा ही नहीं तो हम दूसरों को खाते हुए भी क्यों देखें? आंखें खोलो और देखो, हमने तुम्हारे लिए भी भोजन बनाया है, सो खड़े होकर खा लो। सच प्रभु? पंडित जी दूर खड़े ये सब देख रहे थे। वे अनोखे के पास जाकर पूछते हैं, अनोखे तुमने तो आज भोजन पकाया नहीं, फिर यह भोजन कहाँ से आया? आइए पंडित जी देखिए, आज प्रभु अपने भाइयों संग आए हैं, यह भोजन उन्होंने ही बनाया है। परंतु अनोखे यहाँ तो कोई नहीं है। है ना पंडित जी, यह देखिए सभी तो यही हैं। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, मैं आप सभी के दर्शन पाकर धन्य हो गया। माधव, यह अनोखे है ही इतना सरल कि हमें आना ही पड़ा। हे प्रभु, सदैव यही सुना है कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिल गए, परंतु आज शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिले हैं। हे प्रभु, यह सरल भक्त कौन होता है? सह से सीता, रह से राम, लह से लक्ष्मण, जिसके हृदय में मैं वास करता हूँ वही भक्त सरल होता है। धन्य है प्रभु आप। इस प्रकार अनोखे राम और पंडित जी ने एकादशी तिथि पर राम दरबार के दर्शन करते हुए अपना व्रत पूर्ण किया। अब अनोखे का विश्वास श्री राम जी में और भी बढ़ गया था। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें। धन्यवाद।